हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोटेक्ट बजट। सो आज है बेस्ट लैपटॉप अंडर रुपीज 45,000। और फ्रेंड्स, इस लिस्ट में आपको इंटेल कोर 10 जनरेशन i5 के प्रोसेसर देखने को मिलेगा और i3 के 11 जनरेशन के प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा और AMD Ryzen 5 का भी प्रोसेसर के लैपटॉप्स आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसका परफॉर्मेंस कमाल का है। आप इसमें भर भर के मल्टीटास्किंग कर सकते हो, बैकग्राउंड में 10-12 टैब खोल के तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसमें आप वीडियो एडिटिंग जरा सा भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होगा, इसमें सब कुछ होगा, लेकिन उससे प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगा। और अगर आप गेमिंग भी करना चाहो तो आप छोटे मोटे गेमिंग कर सकते हो, कुछ भी हैवी गेमिंग आप नहीं कर सकते। अगर आप हैवी गेमिंग करोगे जिससे लुक के चलेगा ऐसे ऐसे, तो उससे भी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हैवी गेमिंग और वीडियो एडिटिंग छोड़ के कुछ भी कर सकते हो, चाहे वो कोडिंग हो, मूवीज हो, ब्राउजिंग हो या फिर फोटोशॉप हो, आप सब कुछ इसमें कर सकते हो फ्रेंड्स। सो मेरे आज के लिस्टेड लैपटॉप में अगर कोई लैपटॉप आपको पसंद आए तो उसका अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से परचेज कर सकते हो। और साथ ही में हम लोग कंपैरिजन भी देखेंगे कि i5 10th जनरेशन और i3 11th जनरेशन में कौन सा बेहतरीन है और क्या ये AMD Ryzen 5 को टक्कर दे सकता है। तो चलिए देखते हैं और क्या खास मिल रहा है आज के वीडियो में। सो जैसा कि आप देख सकते हो कि 10 जनरेशन और 11 जनरेशन में क्या डिफरेंस है, दोनों में ही आपको 2 कोर और 4 थ्रेड देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो बेस स्पीड है वो 10 जनरेशन का है 1.2 और मैक्स टर्बो है 3.4 GHz और इसका जो स्मार्ट कैश है वो है सिर्फ 4 MB। और जो 11 जनरेशन है इसका बेस कोर आपको 1.7 GHz देखने को मिल जाएगा, इसमें आपका मैक्स टर्बो है 4.10 GHz और इसका स्मार्ट कैश है 6 MB। 2 MB इंक्रीज होने की वजह से इसका जो परफॉर्मेंस है ये काफी ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है कंपेयर टू 10 जनरेशन। और अभी इसका कंपैरिजन करते हैं 5th जनरेशन के सबसे बेसिक वर्जन के प्रोसेसर के साथ, जो कि है 1035G1 और ये सबसे ज्यादा बेसिक प्रोसेसर है, सबसे सस्ता प्रोसेसर है। वैसे i5 10th जनरेशन में ही टोटल 3 टाइप्स के प्रोसेसर है, जिसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। इसमें आपको 4 कोर और 8 थ्रेड देखने को मिल जाएगा, जिस वजह से इसका मल्टीटास्किंग काफी ज्यादा बेहतरीन है कंपेयर टू i3 11th जनरेशन के। लेकिन इसका जो बेसिक गीगाहर्ट्ज़ है वो है सिर्फ 1.0 गीगाहर्ट्ज़ और मैक्स टर्बो है 3.6 गीगाहर्ट्ज़। सो अगर आप कोई सिंगल टास्क करोगे जिसमें प्रोसेसर कंजप्शन ज्यादा होता है तो फिर ये पीछे रह जाएगा कंपेयर टू i3 11 जनरेशन के, लेकिन मल्टीटास्किंग के लिए ये बेहतरीन है। और इसका जो स्मार्ट कैश है वो है 6 MB। इसमें जो नेक्स्ट वर्जन का जो प्रोसेसर है, जिसका एक लैपटॉप आज की वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है, उसमें आपको कोर 4 और 8 थ्रेड देखने को मिल रहा है, लेकिन उसका जो बेस स्पीड है वो है 1.6 गीगाहर्ट्ज और मैक्स टर्बो है 4.20 गीगाहर्ट्ज और इसका कैश है 6 MB। सिंगल टास्क और मल्टीटास्किंग दोनों में ही ये प्रोसेसर इंटेल कोर i3 11th जनरेशन से आगे है। और अगर AMD के साथ आप कंपैरिजन करोगे तो AMD में आपको कोर 4 और 8 थ्रेड देखने को मिल जाएगा, जो कि मल्टीटास्किंग के लिए बेहतरीन है और इसका स्मार्ट कैश है 4 MB। हाँ फ्रेंड्स, स्मार्ट कैश यहाँ पे आपको सिर्फ 4 MB देखने को मिल रहा है, जिस वजह से i3 11th जनरेशन का कंपैरिजन ये नहीं कर सकता, काफी हद तक पीछे रह जाएगा, लेकिन 10th जनरेशन को ये जरूर हरा सकता है। और इसका बेस स्पीड है 2.1 GHz और मैक्स टर्बो है ओनली 3.7 GHz। सो फ्रेंड्स, ये था बेसिक कंपैरिजन ऑफ प्रोसेसर। अभी देखते हैं कि लैपटॉप में आपको क्या खास मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, आज के सारे ही लिस्टेड लैपटॉप में आपको 15.6 इंच का डिस्प्ले और 8 GB रैम देखने को मिल जाएगा, जिसे आप अप्रोक्स 16 GB तक एक्सटेंड कर सकते हो। हाँ फ्रेंड्स, अगर उसमें 8 GB का स्टिक है तो आप एक और 8 GB का स्टिक लगा सकते हो, और अगर 4 GB है तो आप उस 4 GB को निकाल के 2 8 GB का उसमें एक्सटेंड कर सकते हो, या फिर आप एक और 4 GB या 8 GB का रैम उसमें लगा सकते हो। और इन सभी में आपको 1 ईयर का वारंटी देखने को मिल जाएगा और इन सभी में आपको विंडोज 10 लाइफ टाइम वैलिडिटी देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इंटेल कोर i5 10th जनरेशन के साथ। सो फ्रेंड्स, जो पहला लैपटॉप है यह है लिनोवो आइडियल पैड स्लिम 3 लैपटॉप और लुक में आप देख लीजिए काफी ज्यादा सही लुक है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लुक है। और आप देख सकते हो इसके ब्लेजर काफी ज्यादा स्लिम आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको 1 TB HDD हार्ड डिस्क देखने को मिल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी फीचर्स आपको इसी में देखने को मिल जाएगा और इसका वेट है 1.85 kg, बैटरी है 5.5 आवर्स और इसका कस्टमर रेटिंग है 3.7 स्टार और इसका प्राइस है 43,000 रुपीज इन अमेजोन। सो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगला है Acer Inspire 3, इसमें भी आपको 1 TB HDD हार्ड डिस्क देखने को मिल रहा है और इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फीचर्स देखने को नहीं मिल रहा और इसका वेट है 1.9 kg, बैटरी बैकअप है 9.5 आवर्स, कस्टमर रेटिंग है 3.7 स्टार और इसका प्राइस है 45
45,000 रुपीस इन Amazon। सो अगला है Asus Vivo Book 14 लैपटॉप। इसमें आपको Microsoft Office का फीचर्स देखने को मिल रहा है और इसमें आपको NVMe SSD का स्लॉट देखने को मिल रहा है, जिसके हेल्प से इन फ्यूचर आप इसमें NVMe SSD को इंस्टॉल कर सकते हो। ये काफी ज्यादा पसंद आया मुझे, जिसकी वजह से इसका जो स्पीड है इन फ्यूचर और भी ज्यादा एक्सटेंड आप इसे कर सकते हो। और इसका डिस्प्ले है ओनली 14 इंच और इसका वेट है 1.6 kg। बैटरी बैकअप है इसका 6 आवर्स। कस्टमर रेटिंग है 3.7 स्टार और इसका प्राइस है 45,000 रुपीस इन Amazon। अगला है MI Notebook 14 लैपटॉप। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको i5-10-2100U का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा बेटर है, और इसमें आपको 256 GB का SSD देखने को मिल रहा है। 14 इंच का एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आपको यहाँ देखने को मिल रहा है और इसका वेट है 1.5 kg। बैटरी बैकअप है 10 आवर्स। कस्टमर रेटिंग है 4.2 स्टार और इसका प्राइस है 44,000 रुपीस इन Amazon। सो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं 11 जनरेशन में आपको क्या खास मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, 11 जनरेशन स्टार्ट करने से पहले एक लैपटॉप है जिसके बारे में मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, वो है HP Pavilion H360 टच स्क्रीन लैपटॉप। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको टच स्क्रीन लैपटॉप देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक डिसएडवांटेज देखने को मिल रहा है, वो है यहाँ पर आपको इंटेल कोर i3-10th generation का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी सारे फीचर्स इसके कमाल के हैं। इसमें आपको 8GB DDR4 RAM देखने को मिल रहा है, जिसे आप एक्सटेंड कर सकते हो 16GB तक। 256GB का NVMe SSD आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, प्लस Microsoft Office का भी फीचर्स आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। और इसका वेट है 1.6 kg। बैटरी बैकअप है इसका 7 आवर्स। बैकलाइट कीबोर्ड का भी फीचर्स आपको इसी में देखने को मिल जाएगा, जिसके हेल्प से अगर रात में लाइट ऑफ करके भी आप इस लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही में फिंगरप्रिंट रीडर का भी फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और इसका कस्टमर रेटिंग है 4.7 स्टार और इसका प्राइस है 46,000 रुपीस इन Amazon। अगला है डेल इंस्पायरन 5406 11 जनरेशन लैपटॉप। i3 11 जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका जो रैम है वो है सिर्फ 4GB और 256GB का NVMe SSD यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और Microsoft Office का भी फीचर्स आपको इसी में देखने को मिल जाएगा, प्लस इसमें आपको 14 इंच का IPS टच स्क्रीन देखने को मिल रहा है। ये काफी ज्यादा कमाल का लगा मुझे इसमें। और इसका वेट है 1.8 kg। बैटरी बैकअप है इसका 6 आवर्स। और साथ ही में आपको इसमें बैकलाइट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट रीडर का भी फीचर्स देखने को मिल जाएगा। और इसका कस्टमर रेटिंग है 4.2 स्टार और इसका प्राइस है 46,000 रुपीस इन Amazon। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगला है HP 14 11 जनरेशन इंटेल कोर i3 लैपटॉप। और लुक में देख लीजिए, लुक में ये भी सही है और HP का भरोसा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और इसमें भी आपको Microsoft Office का फीचर देखने को मिल रहा है, प्लस 256GB का NVMe SSD आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और इसका वेट है 1.47 kg। बैटरी बैकअप है इसका 6 आवर्स। कस्टमर रेटिंग है 4.2 स्टार और इसका प्राइस है ओनली 38,000 रुपीस इन Amazon। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगला है Asus VBook Ultra 15 लैपटॉप। यहाँ पर आपको 256GB का NVMe SSD देखने को मिल रहा है, प्लस Microsoft Office का भी फीचर्स आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। वेट है इसका 1.8 kg। बैटरी बैकअप है इसका 5.5 आवर्स। फिंगरप्रिंट रीडर का फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये काफी ज्यादा कमाल का लगा मुझे इसमें। इसका कस्टमर रेटिंग है 4.2 स्टार और इसका प्राइस है 44,000 रुपीस इन Amazon। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगला है Lenovo ThinkPad E15 लैपटॉप। और यहाँ पर आपको सिर्फ 4GB RAM देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा कम है, लेकिन आप इसे इन फ्यूचर एक्सटेंड कर सकते हो 16GB तक। और Microsoft Office का फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिल रहा है और इसका वेट है 1.7 kg। बैटरी बैकअप है 5.5 आवर्स। कस्टमर रेटिंग है 4.2 स्टार और इसका प्राइस है 44,000 रुपीस इन Amazon। और अभी स्टार्ट होता है AMD के प्रोसेसर। सो फ्रेंड्स, Asus VBook Ryzen 5 लैपटॉप आपको यहाँ देखने को मिल रहा है और इसमें आपको 1TB हार्ड डिस्क देखने को मिल जाएगा। NVMe SSD स्लॉट आपको इसमें देखने को मिल रहा है, जिस वजह से इन फ्यूचर आप इसमें NVMe SSD इंस्टॉल कर सकते हो। Microsoft Office का भी फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इसका वेट है 1.9 kg। बैटरी बैकअप है 5.5 आवर्स। लेकिन यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट का भी फीचर देखने को मिल रहा है, ये काफी ज्यादा कमाल का लगा मुझे इसमें। और इसका कस्टमर रेटिंग है 3.7 स्टार और इसका प्राइस है 44,000 रुपीस इन Amazon। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगला है Lenovo IdealPad S145 लैपटॉप। और यहाँ पर भी आपको सिर्फ 4GB RAM देखने को मिल रहा है और इसका हार्ड डिस्क है 1TB HDD। Microsoft Office का भी फीचर्स आपको इसी में देखने को मिल जाएगा और इसका वेट है 1.85 kg। बैटरी बैकअप है इसका 5.5 आवर्स। कस्टमर रेटिंग है 3.7 स्टार और इसका प्राइस है 38,000 रुपीस इन Amazon। और फ्रेंड्स, अगला है HP 245
45 G7 AMD Ryzen 5 लैपटॉप, और यहाँ पर आपको 1 TB HDD हार्ड डिस्क देखने को मिल रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और इसका वेट है 1.52 kg, बैटरी बैकअप है 6 आवर्स, वारंटी है 1 ईयर, कस्टमर रेटिंग है 4.2 स्टार, और इसका प्राइस है 39,000 rupees इन Amazon। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक करें, एंड फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और अगर मैंने कोई टॉपिक मिस कर दिया तो कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसे इंक्लूड कर सकूं अपने वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड्स।